हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन गरिमा शास किचन। आज हम बनाएंगे चटपटे कुरकुरे साबुदाना बड़े। साबुदाना बड़ा एक स्वादिष्ट महाराष्ट्रीयन रेसिपी है। खाने में ये क्रिस्पी और क्रंची लगते हैं, क्योंकि साबुदाना बड़ा बनाते वक्त हम इसमें बॉइल्ड आलू का यूज करेंगे, जिससे ये सॉफ्ट तो बनेंगे ही और इनका टेस्ट भी लाजवाब आएगा। व्रत के समय खाने वाली ये सबसे अच्छी डिश है। साबुदाना बड़े का स्वाद बहुत ही कुरकुरा होता है, क्योंकि इसमें रोस्टेड मूंगफली डाली जाती है, जिससे इसका स्वाद और भी लाजवाब हो जाता है। जैसा कि नवरात्रे चल रहे हैं, तो आप इसे आसानी से बहुत ही कम समय में बना सकते हैं और ये सबको पसंद आने वाली डिश है। साबुदाना बड़ा बनाने के लिए हम यहाँ पर एक कप साबुदाना लेंगे। ये मीडियम साइज के साबुदाना है, ये मार्केट में आपको इजीली मिल जाएंगे और मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, आप वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। अब साबुदाने को साफ पानी से दो तीन बार हम धो लेंगे, जिस तरीके से हमने साबुदाने की खिचड़ी बनाते टाइम धोया था, उसमें इससे लगा व्हाइट पाउडर पूरी तरीके से निकल जाएगा। आपको ये जानना है कि साबुदाने की खिचड़ी हमने कैसे बनाई, तो ऊपर आई बटन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे उसे देख सकते हैं। साबुदाने को हमने धो लिया है, अब इसमें आधा कप पानी डाल देंगे। यदि आप दो कप साबुदाना ले रहे हैं तो उसी रेशो के हिसाब से एक कप पानी डालें। अब इसे हम 6 से 7 घंटे के लिए ढककर रख देंगे। आप यहाँ देख सकते हैं साबुदाना फूल कर डबल हो गए हैं। साबुदाने ने पूरा पानी सोख लिया है और ये फूल गए हैं और इस तरीके से ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। साबुदाना बड़े बनाने के लिए हम लेंगे 3 मीडियम साइज के आलू, जिन्हें हमने बॉईल करके उनका छिलका उतार लिया है, 2 हरी मिर्च जिन्हें हमने चॉप कर लिया है, करीब आधा बाउल धनिया पत्ती, 15 से 20 मीठे नीम की पत्तियां, 1/4 कप रोस्टेड मूंगफली जिसको मिक्सी में मैंने दरदरा पीस लिया है, 1 टीस्पून ग्रेट की हुई अदरक, 1 टीस्पून काली मिर्ची, 1/4 से कम हींग, 1/2 टेबल स्पून सेंधा नमक और 1 टीस्पून जीरा। बॉइल्ड आलू को हम ग्रेट कर लेंगे ताकि हमें साबुदाना बड़े बनाने में आसानी रहे। ग्रेटेड आलू से साबुदाना बड़े का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। आप चाहे तो मैश करके भी आलू को डाल सकते हैं। ग्रेटेड आलू को साबुदाना में डाल देंगे, साथ ही में चॉप करी हुई धनिया पत्ती, चॉप करी हुई हरी मिर्च, मीठे नीम की पत्तियां, ग्रेटेड अदरक, जीरा, हींग, पीसी हुई काली मिर्ची, सेंधा नमक और पीसी हुई मूंगफली डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर इस मिक्सचर को अच्छी तरीके से मैश करना है। उसके लिए आप हाथों से जिस तरीके से आटा गूंथते हैं, उस तरीके से मैश करेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। यहाँ हम व्रत के लिए बड़ा बना रहे हैं, तो कम मसाले का यूज कर रहे हैं। यदि आप व्रत के लिए नहीं बना रहे हैं, तो आप इसमें लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, गरम मसाला और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मसाले डाल सकते हैं। आलू में मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है आलू में पानी है, तो 2-3 घंटे के लिए आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है। टिक्की स्टाइल बड़ा बनाने के लिए हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, ताकि डो हमारे हाथों में ना चिपके, और थोड़ा सा डो लेकर उसे टिकिया की फॉर्म दे देंगे। जिस तरीके से हम टिकिया बनाते हैं, उसी शेप का आकार हमें यहाँ पर देना है। साइड में से हल्के हाथों से रोटेट करते जाना है, ताकि साबुदाना बाहर ना निकले, और इसी तरीके से हम बाकी के सारे बड़े बना लेंगे। साबुदाना बड़े के साथ हरी धनिया की चटनी का क्या कहना, साथ ही साथ हम उसे भी बना लेते हैं। यहाँ मैं ले रही हूँ 100 ग्राम हरा धनिया, जो कि 1 कप के बराबर है। उसको कट करके मिक्सर जार में डाल देंगे, साथ ही में 1 इंच अदरक का टुकड़ा, उसे भी हमने काट कर डाल देंगे, और 2 कटी हुई हरी मिर्च, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून सेंधा नमक, 1/4 टीस्पून काला नमक, 1/4 से थोड़ा सा कम हींग, जरूरत के हिसाब से पानी। अब इसे मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। हरी धनिया की चटनी हमारी रेडी हो गई है। अब इसमें आधा नींबू का रस डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर कढ़ाई में हमने ऑयल डाल लिया है, ऑयल थोड़ा गर्म भी हो गया है। अब गैस को मीडियम फ्लेम पर रखते हुए एक एक करके कढ़ाई में बड़ों को डालते जाएंगे।
एक मिनट तक बड़ों को तेल में फ्राई होने देना है, टच नहीं करना है जब तक कि ये नीचे से थोड़ा सा सिक नहीं जाते। अगर हमने चम्मच को बड़ों के सिकने से पहले चला दी तो बड़े को हिलाते वक्त चम्मच पर ये चिपक सकते हैं। बड़ों को हल्के हाथों से रोटेट करते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक चलाते रहना है और फिर बड़ों को ऊपर नीचे से मीडियम फ्लेम पर फ्राई होने देना है। अगर आप बड़ों को डीप फ्राई करना नहीं चाहते तो आप इसे कम ऑयल में तवे पर भी शैलो फ्राई कर सकते हैं। ध्यान रहे गैस की फ्लेम हमें लो पर नहीं रखनी है, क्योंकि लो फ्लेम पर बड़ों में तेल भर सकता है और हाई फ्लेम पर ये जल सकते हैं, तो गैस की फ्लेम मीडियम पर ही रहे। यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़े अच्छी तरीके से सिक चुके हैं, तो इसे अब हम निकाल लेते हैं और इसी तरीके से बाकी के बड़ों को भी हम ऑयल में फ्राई कर लेंगे। साबूदाना बड़े बनकर हमारे रेडी हैं। ऑयल से निकालने के बाद आप चाहे तो इसे थोड़ी देर के लिए टिश्यू पेपर पर भी रख सकते हैं, ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। साबूदाना बड़े को जो हमने हरी धनिया की चटनी बनाई थी उसके साथ सर्व कर सकते हैं, और बच्चों को ये टमाटो केचप के साथ बहुत ही टेस्टी लगेंगे। आप इसे जनरली कभी भी स्नैक्स के रूप में बनाकर भी सर्व कर सकते हैं। तो ये टेस्टी और क्रंची साबूदाना बड़े बनाकर मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसे लगे। साबूदाना बड़े की रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय जिनेंद्र।